हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा शासकीय महाविद्यालय कुमराज, जो कि बिल्डिंग लगभग पूरी तरह से बन के तैयार हो गई। और ये कॉलेज यहाँ बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुमराज एरिए में एक भी कॉलेज नहीं था डिग्री कॉलेज। इस वजह से 2-3 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि मैं इस क्षेत्र में एक कॉलेज खुलवाऊंगा। तो आज उनका जो घोषणा थी वो पूरी हो चुकी है, और लोगों का जो इच्छाएं थी, जो आश्वासन दिया था, वो भी पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हो पीछे डिग्री कॉलेज पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। और ये कॉलेज बहुत से कनेक्टेड है, इसमें सारी डिग्रियां कंप्लीट की जाती है। और लगभग कॉलेज चालू हो चुका है इस साल से। और आप देख सकते हो ये पीछे है कॉलेज की बाउंड्री। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो ये बिल्डिंग का मेन गेट, जहाँ से एंट्री होती है कॉलेज के अंदर। और लेफ्ट साइड में अभी पार्किंग का काम चल रहा है, आप देख सकते हो, जिसमें 4 व्हील्स और 2 व्हील्स दोनों के लिए व्यवस्था है। और इधर भी आप देख सकते हो छोटा सा ग्राउंड पार्क है, जिसमें पौधे लगाए जाएंगे। और ये सामने का गेट देख सकते हो, और इधर की साइड राइट में काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है, देख सकते हो पीछे की साइड। और ये है बिल्डिंग, जो खूबसूरत कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा लगता है दूसरे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो। तो गवर्नमेंट में भी अब अच्छे कॉलेज बनने लग गए हैं दोस्तों, और पढ़ाई का स्तर भी आगे ले जाएगा इस कॉलेज की वजह से, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे एडमिशन के लिए। डिस्ट्रिक्ट कॉलेज या राजधानी या चाचौड़ा जाना पड़ता था, जो कि हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी समस्याएं आती थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यह है बिल्डिंग जो काफ़ी बड़ी है। तो एक बेहतरीन कॉलेज बन के तैयार हो चुका है। और मैं भी आज काम से आया था एक स्टूडेंट का एडमिशन के लिए, तो मैं लेके चलता हूँ आपको भी। तो दोस्तों, यह है कॉलेज का हॉल, जहाँ से मेन एंट्री है, देख सकते हो। सामने कॉन्फ्रेंस हॉल, और यहाँ पर अप दीपो भव, यहाँ पर माँ सरस्वती की मूर्ति विराजमान की जाएगी, देख सकते हो दोस्तों। और इधर है अकाउंट सेक्शन, ये स्टाफ रूम, जहाँ पर टीचरों के लिए व्यवस्था है, देख सकते हो आप। काफी शानदार और खूबसूरत कॉलेज बनाया गया है दोस्तों। ये कंप्यूटर लेबोरेटरी, और ये है लाइब्रेरी, और यह है एक बड़ा सा कॉलेज का अंदर का जो ग्राउंड है, इसको बोल सकते हैं एक तरह ऑडिटोरियम का भी काम होगा। यहाँ पर जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होगी, जो भी कॉलेज के प्रोग्राम हैं, इवेंट्स हैं, वो यहाँ ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और काफ़ी स्पेस है इसमें, लगभग 1000 स्टूडेंट एक साथ बैठ सकते हैं। और ये खूबसूरत क्लासरूम है फर्स्ट फ्लोर के, आप देख सकते हो। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज बनाया गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले।
और दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कि कॉलेज आपको कैसा लगा और इसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों देख सकते हो ये फर्स्ट फ्लोर कॉलेज का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और मैं लेके चलता हूँ आपको टॉप पे, जहाँ से मैं आपको 360 व्यू से दिखाऊंगा, 360 एंगल से पूरा व्यू। ये दोस्तों कॉलेज का टॉप व्यू देख सकते हो आप। और ये है कॉलेज के सामने का व्यू। बहुत ही शानदार दृश्य आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सो ब्यूटीफुल एंड ग्रीन फील्ड्स सराउंडेड इन दिस बिल्डिंग। मैं इसे पी ले रहा हूँ, देख सकते हो। ये दोस्तों पानी की टंकी, जिसके ऊपर से सीमेंट प्लास्टर कर दिया है ताकि पानी गर्म ना हो, तो काफी अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। और ये कॉलेज के पीछे का एरिया देख सकते हो, और बाउंड्री वॉल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है ताकि कोई भी अननोन पर्सन अंदर ना आ सके। ये कॉलेज का अंदर का ग्राउंड देख सकते हो दोस्तों। और जस्ट इसके साइड में दोस्तों आईटीआई, ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, तो इसमें आईटीआई के बच्चे पढ़ेंगे। और सामने